सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखी, जड़ों पर चोट लगते ही शाखें सूख जाती है। सब शब्दों का अर्थ मिल सकता है परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंधों का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। संबंध जोड़ना एक कला है लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही जानते हैं, पहला ईश्वर और दूसरा अपनी अंतरात्मा। हैरानी की बात ये है कि दोनों नजर नहीं आते। आज का पंचांग 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:58 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 11:21 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्वनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:26 से 10:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 11:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कन्या राशि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, आपके भीतर शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे के तह तक जा पाएंगे, अपने दोस्तों साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहां तर्क शक्ति से बात न बने अपने मन की आवाज सुने, अपनी छुपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। विवादों से बचें, वे बाद में समस्या पैदा कर सकते हैं। कुछ समय से चल रही उथल पुथल भरी दिनचर्या से कुछ राहत मिलेगी। फाइनेंस संबंधित कार्यों में आपके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। किसी अनुभवी व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को कोर्ट से बाहर ही सुलझाने की कोशिश करें। तकलीफ को दूर करने के लिए प्रभावशाली व्यक्ति साथ देंगे। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ हुए विवाद फिर से हो सकते हैं, इसलिए आज कम से कम बात करना आपके लिए ठीक रहेगा। काम की जगह आपको प्राप्त हो रही जिम्मेदारियों की वजह से कुछ निर्णय कठिन महसूस होंगे लेकिन उन्हें तुरंत अमल में लाने की कोशिश करें। पार्टनर द्वारा बोली गई हर एक बात को गंभीरता से लेना विवाद का कारण बन सकता है। सिर दर्द और माइग्रेन की तकलीफ भी हो सकती है। सावधानियां, विपरीत परिस्थितियों को धैर्य और संयम से संभालें। गुस्से और आवेग जैसी स्थिति से दूर रहें। पड़ोसियों के साथ संबंधों में न उत्पन्न होने दें। घर के कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ नोकझोंक रह सकती है परंतु आपसी समझदारी से समस्या का हल भी निकल जाएगा। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही के पास नए आइडिया हैं। आप एक साथ या तो अपने ऑफिस या घर पर ही अपने करीबियों के लिए छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। यह दोनों ही चीजें समाज में आपके रुतबे को बढ़ाएगी और इससे आपको लोगों के साथ और बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। केवल अपने शुभचिंतकों को ही ना बुलाएं, औरों को भी बुला सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज आपको लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन क्षेत्रों को देखें जहां पहले आपने कार्य नहीं किया है। अन्वेषण आपके लिए आज महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कुछ सार्थक मिल सकता है। अगर आप अपनी नौकरी स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन काफी शुभ हो सकता है। आपको शीघ्र ही एक नई नौकरी या एक नए कार्यालय में भूमिका मिल सकती है। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ
व्यवसायिक डील करते समय सावधानी बरतें। आपके साथ धोखा होने जैसी स्थिति बन सकती है। मीडिया तथा ऑनलाइन कार्यों की अधिक जानकारी हासिल करें। ऑफिस का माहौल अनुकूल रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आप पेट के खराब होने से परेशान हो सकते हैं, इसलिए तैली खाना कम खाने की कोशिश करें। पानी भी खूब पिएं। शाम तक आपको कुछ बेहतर महसूस होगा, लेकिन जिनको पहले से इस प्रकार की कोई तकलीफ है उनके लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। आज का उपाय। आज अब शनि भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।